हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय। माय नेम इज सौरभ धनाइक। आज मैं बात करूंगा क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी चैप्टर वन की, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया के साइज लोकेशन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी मैप्स रिलेटेड, और इंडिया के नेबर्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स देख लीजिएगा, आप वहाँ पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इंडिया को नदरन हेमिस्फीयर में कहा जाता है। तो अगर हम एक अर्थ को हेमिस्फीयर में बांट दें, अर्थ गोलों में बांट दें, तो इंडिया कहाँ आएगा? नदरन हेमिस्फीयर में कम्प्लीटली। तो मतलब कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बांटना ज़रूरी है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझिए, अगर हम अर्थ में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ले कोई भी, तो वो लैटिट्यूड कहेंगे उसको हम, और जो बीच वाली लाइन है उसको हम करेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो उसके बाद जो अगर हम वर्टिकली कोई लाइन अगर कर दे देते हैं कोई भी अगर लोकेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर बात करें इंडिया के लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस की, तो ये देखिए ये जो डैश डैश लाइन है ये है 0 डिग्री। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और जो यहाँ पर कश्मीर का ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ इसकी, एक और लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इसको, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। तो ये 0 डिग्री है, क्या है, लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ से क्या है, 1 2 3 ऐसे शुरू होता है इधर को, और ऐसे ही इधर को भी होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो हम अगर बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो हमारा जो गुजरात का हिस्सा है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और 97 डिग्री 25 मिनट्स जो ईस्ट है दूसरा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का। तो ये तो हुई इंडिया के जो बाउंड्रीज थी उसकी बात। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को लगभग बीच से काटती है। इंडिया को क्या है, बीच से काटती है। 23 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो होती है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। तो इंडिया को क्या है, इट डिवाइड्स कंट्री इंटू टू ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंडिया के आसपास दो आइलैंड्स हैं, तो दो आइलैंड्स कौन से हैं, यहाँ पर देखिए बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर, और दूसरे है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में है ये। साउथ ईस्ट में क्या है, अंडमान निकोबार, साउथ वेस्ट में क्या है, जो कि अरेबियन सी में है, उसको कहते हैं हम लक्षद्वीप। ठीक है, अगर यहाँ पर इंडिया के सदर्न मोस्ट पोर्शन की बात करें तो वो देखेंगे, अगर ये आप मैप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार में एक सदर्न पोर्शन है उसको कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। अब साइज़ की बात करते हैं, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, यानी मिलियन, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो टोटल एरिया, अगर दुनिया के एरिया किसे कहें, तो हमारा जो है 2.4% जो इंडिया है, बाकी दुनिया है। ठीक है, यह यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करें जैसे कुछ बेसिक्स की, तो यहाँ पर क्लियर है कि इंडिया जो है वो 7th largest country इन द वर्ल्ड है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें, जो कि हमारा ऊपरी हिस्सा है, हमारे जो लैंड बाउंड्री का मतलब है कि ज़मीनी जो बाउंड्री है दूसरे देशों के साथ, वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,200 किलोमीटर है हमारी लैंड बाउंड्री। अगर कोस्ट लाइन की बात करें, हम आइलैंड का भी मिलाना पड़ेगा हमें, तो इसमें क्या है कि कोस्ट लाइन हमारी क्या है, 7516 के आसपास, लगभग एग्जैक्ट नहीं है, 7516 किलोमीटर के आसपास, 7516.6 किलोमीटर के आसपास ये है। अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशन की, तो इंडिया का जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि यहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो अगर हम ऐसे देखें, तो एक और फिजिकल फीचर है जो हमें पता होना चाहिए, तो लगभग 22 डिग्री जब हम नॉर्थ में पहुँचते हैं, उसके बाद क्या है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है या इंडिया के जो लैंडमार्क है वो कंसॉलिडेट होना शुरू हो जाता है। अब कंसॉलिडेट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए 22 डिग्री के बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं टेपर। ये कब होता है, 22 डिग्री के पास। तो ये हमें पता होना चाहिए जब हम अरेबियन सी में नीचे की तरफ जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद जब हम एक मैप में यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैप में क्या है कि जब हम गुजरात से लेके यहाँ तक आते हैं अरुणाचल प्रदेश तक, तो यहाँ पर क्या है, 2 घंटों का डिफरेंस है, लगभग 2 घंटों का डिफरेंस है। अगर ऐसे देखें तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जो हमारे हैं 2933
ठीक है, 2933 जो किलोमीटर्स की बाउंड्री है वो है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो 3214, 3214 जो किलोमीटर्स है वो हमारी बाउंड्री है, ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हम फॉलो करते हैं, हमने बीच का फॉलो किया हुआ है ना, इधर का 97 डिग्री में नहीं जा सकते थे, 68 डिग्री में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि 2 घंटों का जो था वो डिफरेंस हो जाता, इस वजह से हमने बीच वाला फॉलो किया, क्योंकि एक इंडिया एक बड़ी कंट्री है, इसमें इतने ज़्यादा जो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं अगर अलग अलग टाइम जोन फॉलो करें, तो वो किसी और चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करें, इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का जो मैप है उसको समझना, इंडिया को आप देखें तो इंडिया जो है सेंट्रल लोकेशन में है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, साउथवर्ड एक्सटेंशन जो इंडिया की है वो वेस्टर्न जो एरिया है उससे जोड़ता है और ईस्टर्न एरिया को भी जोड़ता है, तो यूरोपियन कंट्रीज और जो आपकी ईस्ट एशिया है उससे हमें जोड़ती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए इंडिया को आप ध्यान से देखिए, ऐसा कोई भी देश नहीं है इस मैप में, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ मैं इंडिया को, छोटा सा है पर ध्यान से देखिए, इंडिया का जो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है वो जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें किसी भी कंट्री का इतना बड़ा इतनी बड़ी जो है वो कोस्ट लाइन नहीं है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो मेजर हिस्सा है वो हम इसमें प्ले करते हैं, तो इसीलिए इसको इंडिया के नाम पर बिहाफ पर नाम रखा गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडियन ओशन बिकॉज इट हैज़ सो मच इंपॉर्टेंस इन इट। अब अगली बात जो है उसके बाद स्वेज कैनाल इंपॉर्टेंट है, स्वेज कैनाल जो है हमें जोड़ती है जो यूरोप है उससे जोड़ती है, और कोशिश करते हैं हम कि बाकी जो हिस्से हैं दुनिया के वो भी यूरोप से इस साइड से जुड़ते हैं, इवन कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड होता है वो भी होता है स्वेज कैनाल से। स्वेज कैनाल कब बनी थी? 1869 में, और जो लेंथ है डिस्टेंस की इंडिया और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर कम हो जाती है सिर्फ और सिर्फ स्वेज कैनाल की वजह से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, अगले पोर्शन में जाते हैं। अगले पोर्शन में देखें तो यहाँ पर कुछ जब आप देखेंगे इस बुक में तो कुछ इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स दिए गए, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लैंड रूट्स हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो हमेशा से रहे हैं, वो इवन के मैरीटाइम यानी पानी के जो कॉन्टैक्ट थे वो बाद में बने, पर हम लैंड से जो है पहले भी व्यापार करते थे। व्यापार में क्या होता था, जो एंशियंट ट्रेवलर्स आते थे यहाँ से, हमने आइडियाज जो थे वेदास उपनिषद के हमने ट्रांसपोर्ट करें, यहाँ से स्पाइसेस मुस्लिन और दूसरे मर्चेंटाइज हमने दूसरे कंट्रीज को भेजे, और बहुत सारी चीज़ें जो थी एशिया में आई इंडिया को मिली, तो ये जो विचारों का और चीज़ों का आदान प्रदान है ये इन्हीं रूट से होता रहा। तो अब देखिए आप यहाँ पर इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो पहले ही बता चुका हूँ, और 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है ये भी हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है आपको लैंड बाउंड्रीज देखनी है, लैंड बाउंड्रीज में आपको दिखना है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो मैप है लैंड बाउंड्रीज। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्रीज है कौन कौन की कंट्रीज के साथ है, देखिए एक पाकिस्तान के साथ, दूसरी अफगानिस्तान के साथ, ये यहाँ पर जो ये एरिया है ये अफगानिस्तान है, चाइना तिब्बत आप इसको एक ही कंट्री मान के चलिए, 3, चौथा जो है वो नेपाल है, उसके बाद बांग्लादेश है 5, उसके बाद छठा है म्यांमार, 6 कंट्रीज के साथ है। तो आप यहां पर मैप में देख सकते हैं, आगे फर्दर ये बुक एक्सप्लेन करती है इस पोर्शन में। तो यहां पर देखिए नेपाल भूटान जो है नॉर्थ में है, ये डायरेक्शंस ही बता रहा है। अब आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो इंडिया और श्रीलंका है एक और नेबर है जो सदर्न में, लैंड बाउंड्रीज के साथ नहीं है, पर आप देखें इसको कौन सेपरेट करता है, देखिए श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है एक नैरो चैनल जिसको कहते हैं पार्क स्ट्रेट, और यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार भी है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखें मालदीव्स आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट है, साउथ ऑफ लक्षद्वीप है, साउथ ईस्ट में हमारे लक्षद्वीप है। यहाँ पर देखें आप तो अंडमान निकोबार है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे आप ये जो सदर्न मोस्ट टिप है यहाँ पर है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट वो है, वो क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड थी, अगर आपको अभी कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।